अरे क्या है ये? अच्छा नहीं लगा? कोई बात, एक और दिखाता हूँ। अरे इस तरह के जादू सड़कों और गलियों में दिखाए जाते हैं, कुछ नया है तो दिखा। अच्छा तो अभी दिखाता हूँ, उठाओ इसे। अगर वो जादू पसंद नहीं तो आज कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्या आप में से कोई उड़ना चाहेगा? विक्रांत, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, मैं जानता हूं हर आदमी ये चाहता है कि वो चिड़ियों की तरह आजाद हो, जब चाहे हवा में उड़ सके। क्या आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसे हवा में उड़ने की चाहत हो? क्यों, कोई नहीं? किसी में हिम्मत नहीं है? विक्रांत प्लीज, किसी को उड़ाना मत। आप क्यों नहीं आते? अरे मैं डर लगता है। अरे मैं क्यों डरूंगा? तो फिर आइए। आता हूँ। आइए आइए। विक्रांत ऐसा मत करो, तुम जानते हो ना कुछ साल पहले क्या हो चुका है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, बीच में मत बोलो संजय। आइए आइए, वेलकम वेलकम। नाम क्या है आपका? नंदू। नंदू। अब देखिए आपके सामने ये आदमी कैसे हवा में उड़ने लगे। अभी भी इनकी हंसी बंद नहीं हो रही। मैं इन्हें बेहोश नहीं करूंगा और ना ही मेस्मराइज करूंगा। ये आदमी अपने पूरे होशो हवास में हवा में उड़ने लगेगा। आइए। अब कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब अपनी अपनी सीटें पकड़कर बैठ जाओ, क्योंकि जादू यहां से नहीं वहां से होने वाला है। ऊपर उठा ले। ये जादू रोक दो, रोक दो ये जादू। ले जाओ इसे उठा के और ऊपर। चलो चलो मुझे नीचे उतारो। और ऊपर। मुझे नीचे उतारो। और ऊपर। चलो इसे नीचे उतारो। और ऊपर। मुझे नीचे उतारो, रोको इसे। ऊपर। मुझे नीचे उतारो, रोको इसे, रोको। अरे उसको नीचे उतारो, कहाँ ले जा रहे हो उसे? अरे यार नीचे लाओ उसे, नीचे लाओ। ऊपर कैसे जा रहे? नीचे लाओ, नीचे लाओ। घबराइए मत, घबराइए मत, ये सब हमारे इस जादू का एक हिस्सा है। नंदू बहुत जल्दी वापस आएगा और साथ में किसी को लेकर आएगा। तब तक आप सब लोग हमारा दूसरा जादू देखिए। रमेश आओ, शुरू हो जाओ। तालियां हो जाए रमेश के लिए। चलो यहां से। ये क्या, कहां जा रही है? Thank you.
जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी उस आदमी को हवा में उड़ाने की, क्या जरूरत थी इतना खतरनाक खेल खेलने की? तो क्या करता मैं? मतलब इतने सालों से जादू कर रहे हो तुम, 500 जादू आते हैं तुम्हें, कोई भी कर लेते उनमें से। वो लोग हंस रहे थे मुझ पर, देखा था ना तुमने, जो भी कर रहा था उन्हें खराब ही लग रहा था। तो तुमने उनसे बदला ले लिया? वो लड़का वो वापस आएगा ना? या नहीं? नहीं आएगा? वहीं पे मर जाएगा? क्या मालूम क्या होगा उसका, कोई खा जाएगा उसको जी कौवे। क्या मालूम? मालूम था तुम्हें कि 5 साल पहले भी ऐसा हो चुका है, 5 साल पहले भी तुमने इसी तरह से किसी आदमी को ऊपर भेजा था जो आज तक कभी वापस नहीं आया, न जाने कहां होगा वो। तब से आज तक हम लोग अपना नाम बदलकर चेहरा बदलकर शहर शहर छिपते घूम रहे हैं, वो एक आदमी वापस नहीं आया और तुमने दूसरे को भेज दिया। अब बांधो फिर से सारा सामान, भागो फिर से शहर छोड़ के। मगर मैं तो सिर्फ 6-7 फीट तक ही उड़ा सकता हूँ, उसके आगे तो मुझे आता ही नहीं। तो फिर वो छत को तोड़ के कैसे निकल गया? कोई है जो ऊपर से उसे खींच लेता है? कौन है तू? निकाले! कौन है तू जो मुझे तंग कर रहा है? कोई है? कोई है? किसी पायलट ने, किसी हेलीकॉप्टर ने, किसी सैटेलाइट ने भी उसे जाते हुए देखा नहीं। गया कहां वो? सर और भी सत्यानाश हो गया है सर। कोई आगे मारने के लिए? नहीं सर, सर अनीता भाग गई है, वो हमारे साथ आना ही नहीं चाहती थी। वो कहीं जाकर किसी को बताना दे। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से, दूसरे शहर जाकर किसी और लड़की को नौकरी पर रख लेंगे। लेकिन उसे सिखाना पड़ेगा ना फिर से। मैं सिखाऊंगा उसे। सर एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आप वाकई ये शो करना चाहते हैं? मतलब क्यों नहीं करूंगा? सर नंदू को गायब हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, इतने जल्दी फिर से एक शो? जादू दिखाना बंद नहीं कर सकता मैं। सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, इस बार फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ। आओ आओ ना, आ जाओ। अरे दीपा आओ आओ आओ। हालांकि तुम नहीं हो लेकिन तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। तुम्हें इस बॉक्स में जाना है, इस बॉक्स में जाने के बाद मैं ये तलवारें बॉक्स के चारों तरफ से अंदर घुसाऊंगा, ठीक है? तलवारें? सर ये तलवारें तो असली है। हाँ तो असली है तो इसमें मेरी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, इस बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर एक बटन है, इस बटन के दबाते ही ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, तुम इसमें जाकर छुप जाना,
तलवारें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। शाबाश शाबाश, चलो उधर। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं, एक मिनट महेश। जी मैम। अब ये जादू तुम करके दिखाओगे। मैं? हाँ हाँ, यहाँ आओ। सर मैं दिखाऊंगा? हाँ महेश तुम दिखाओगे, अगर तुम जादू नहीं दिखाओगे तो दीपा सीखेगी कैसे, है ना? चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश महेश। देखो अब मैं इस बॉक्स को बाहर से दो बार मारूंगा और महेश मुझे जवाब देगा ऐसे। अब देखो, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गायब हो गया। अपने आप कैसे हो सकता है, चारों तरफ खून ही खून है। तुम लोगों को गायब करने का जादू जानते हो, है ना? तुमने मुझसे ये बात छिपा कर रखी? नहीं 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 संजना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। नंदू को तुमने गायब किया, और 5 साल पहले भी उस आदमी को तुम ही ने ऊपर भेज कर गायब कर दिया, और हम लोग मुंह छुपाते घूम रहे हैं।
संजना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रांत? कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। ये बॉक्स? खोलो इसे। खुली तो नहीं रहा। है क्या इसमें? हाँ पता नहीं। अगर पता नहीं तो खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ऐसे ही देखो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कहां से आ रही है ये सारी शक्तियां तुम्हारे पास ये सब करने की? किसी को ऊपर भेज दिया, किसी को तलवार वाले बक्से में से गायब कर दिया। इसी बक्से में से आ रही है ना ये सारी शक्तियां तुम्हारे पास? हाँ, आज मैं इस बक्से को खोल के नहीं रहूंगी। मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है संजना। तो फिर तुम यहाँ पर आए क्यों थे? मैं यहाँ एक नए जादू के बारे में पढ़ने आया था। नया जादू? अब कौन सा नया जादू विक्रांत, कौन सा नया जादू? एक ऐसा जादू जो मैंने कई साल पहले सीखा था मगर किसी को नहीं दिखाया, पर इस बार मैं वो जादू जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। है क्या इस बॉक्स में? मैं किसी भी हालत में वो ट्रिक करके छोड़ूंगा। जादू नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? विक्रांत, मैं फिर पूछती हूं, उस बॉक्स में है क्या? वो मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। मुझे आज ही पूछना है। अच्छा, अगला शो हो जाने तो फिर बता दूंगा। अब तो हर शो में डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं, ये नई ट्रिक करूंगा ना, पब्लिक हैरान रह जाएगी। नई ट्रिक मत करो ना, वही जादू क्यों नहीं कर लेते जो तुम सालों से करते आ रहे हो? जो जादू करता आ रहा हूं संजना, उसी में तो ये सब कुछ हो रहा है। तो छोड़ दो ना ये सब जादू वादू, कहीं जाके छिप जाते हैं जहां हमें कोई पहचान ना सके। कुछ और कर लेंगे पैसे कमाने के लिए। मुझे कुछ और करना आता ही नहीं है संजना, जादू ही करना जानता हूं और जादू ही करूंगा। हाँ करते रहो और लोगों को मौत के घाट उतारते रहो। 5 साल पहले वो आदमी गया, फिर नंदू और अब महेश। मगर इस बार मैं उसे धोखा देने वाला हूं। किसे? वही यो ऊपर कहीं है, मेरे पीछे पड़ा है और ये मौतें करवा रहा है। मगर इस बार मैं ऐसा जादू करने वाला हूं जिसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। कौन सा जादू? दीपक को बीच में से काटकर दो टुकड़े कर दूंगा और वापस जोड़ दूंगा। वो मरेगी तो नहीं ना? मरेगी कैसे, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग? हाँ। कब हुई उसकी ट्रेनिंग? मुझे बताया तक नहीं। जादू तो छिपा कर ही करना पड़ता है संजना। मगर अब दीपा भी छोड़ के जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत होने देना, मत। अगर वो चली गई तो अगला शो होगा ही नहीं। उससे बोलो ये शो कर ले बस, उसके बाद कहीं जाना हो तो चली जाए। कहते हैं कि मौत से कोई जीत नहीं सकता,
तरीका है। मौत को कैसे हराया जा सकता है, ये आज मैं आप सबको करके दिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, यहां से निकलने के बाद आप इस जादू के बारे में किसी को भी बताना मत। दीपा, दीपा तुम तैयार हो ना? मुझे ये नहीं करना, ये जादू नहीं करना। विक्रांत सर सबके सामने भूल चुके हैं, तुमने सुना नहीं क्या? अब तो पीछे नहीं हट सकती। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। सर, मुझे ये नहीं करना। चलो, मैं चाहूंगा कि आप सब मेरी इस बहादुर और खूबसूरत असिस्टेंट दीपा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं दीपा के दो टुकड़े करूंगा। मैंने आपके लिए अपनी कुर्बानी दी, पर आप मुझे ही भूल गए। दीपा, तुम मर गई थी, तुम यहाँ कैसे? मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दीपा मेरे पीछे भागी, मेरे पीछे भागी। मगर दीपा की लाश तो वहीं पड़ी हुई है, कटी हुई। वो वहां कैसे हो सकती है? उसकी कटी हुई लाश तो भाग रही थी मेरे पीछे पीछे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये जादू मत करो। दीपा की आत्मा मुझे मार डालेगी। वाकई में थी आत्मा? हाँ, मैं तो ठीक तरह से जादू करना चाहता था संजना, लेकिन उसने मार दिया दीपा को। ऊपर वाले ने? पर है कौन ये? जब मैं जादू सीखा करता था संजना,
तो वहां एक और जादूगर भी था। वो हमेशा मुझे डराता रहता था, बहुत तंग करता था मुझे। मैं बहुत डरपोक हुआ करता था। नहीं नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, मैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस बॉक्स में मत भेजो। मुझे अंदर से डर लगता है। प्लीज तलवार निकालो। जो कोई भी है, जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है, ये जरूर उनमें से ही कोई है सज्जना, जिसने उस वक्त भी मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। पर तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले कभी बताया नहीं। मैं उन दिनों को याद करता हूं तो आज भी डर से कांप उठता हूं संजना। कितना कमजोर था मैं, कैसे कैसे सब लोग मुझे तंग किया करते थे। याद आते ही आज भी मैं शर्म से डूब जाता। पर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी के वो डरावने पल फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अब फिर से कोई तुम्हें तंग क्यों कर रहा है? तुमने कुछ तो किया होगा, तुमने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है ना? नहीं तो भला मैं किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? जरा ठीक से याद करो विक्रांत, ये कहीं उसी की आत्मा तो नहीं? कौन? किसकी आत्मा? जिसको तुमने दुख दिया हो। दुख? मैं किसी को दुख क्यों पहुंचाऊंगा संजना? ये तो कोई है जो मेरे जादू से जलता है और जो नहीं चाहता कि मैं महान जादूगर बनूं। पर है कौन ये? तू जलता है ना मुझ पर? ले आज मैं छोड़ दिया जादू, नहीं करूंगा आज के बाद, यही चाहता है तू? विक्रांत, विक्रांत, यही चाहता है तू? यही चाहता ना? नहीं विक्रांत, नहीं करूंगा जादू, नहीं करूंगा जादू, सब छोड़ दिया विक्रांत। ना जादू करूंगा।
और ना ही तू चलेगा। क्या क्या कर रहे हो? चलेगा तू इनको बात करना चाहता है ना, ले ले, मैं खोली बर्बाद हो जाता हूँ। कौन ऐसा कौन है? संजना, अपने अपने हाथों से अभी भी सब कुछ बर्बाद किया है मैंने। तुमने तोड़ा था? हाँ। आवाज तो आ रही थी। ये तोड़ा है, ये सब। मगर यहाँ तो सब ठीक है। और ये जुड़ कैसे गया? वो मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। वो ना तो मुझे जादू छोड़ने देता है और ना ही करने देता है। तुम अंदर थे, यहां पर रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज? हाँ, यहां ऊपर से। और यहां तक गई। कौन रो रहा था ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसके पहले किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। कहीं वही तो नहीं है? क्या मालूम, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। किसके लाश है ये? वही कहाँ से? हाँ
ये लाश वही कहाँ से? मोहन है, वही मोहन जो आज से 5 साल पहले तुम्हारे जादू से गायब हो गया था। देखो देखो उसने वही कपड़े पहने हुए हैं। तो क्या 5 साल से यह हवा में तैर रहा था? ऐसा ही लगता है। वही वही पे मर गया। ये देखो इसके माथे पे क्या बना हुआ है, ये निशान कैसा? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विक्रांत, मुझे लगता है ये मोहन की आत्मा जो तुम्हें तंग कर रही है। मुझे जाना होगा, मुझे जाके देखना ही होगा कि ये है क्या। मुझे इसका हल ढूंढना ही होगा। उस किताब में जाके देखता हूं। ये है वो चीज। संजना? हाँ, मैं यही देखने के लिए यहाँ पर खड़ी थी। ऐसा नहीं है संजना, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? और 10 लोगों के मरने के बाद? और ये निशान है ना जो मोहन की लाश पे था, उसके माथे पे। ये वही निशान है। पर ये निशान तो मेरे भाई पराग का था ना। भी तो जादू सीखता था ना, एक दिन अचानक वो कहीं चला गया, वापस लौट कर नहीं आया। तुम जानते थे ना पराग को, तुम दोनों एक ही स्कूल में जादू सीखते थे ना। पराग की किताब तुम्हारे पास कैसे, और पराग का निशान मोहन की लाश पर कैसे आया? पराग कहाँ है? वहाँ है पराग, ऊपर। यानी वो पराग है जो ये सब करवा रहा है? हाँ, वो पराग ही है। वो जब मैं जादू सीखा करता था तो वो परागी था। परागी वो जादूगर था जो मुझे डराता रहता था। वो
जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। जिंदगी नरक बना दी थी उसने मेरी। तू कभी जादूगर नहीं बन सकता, कभी भी जादूगर नहीं बनेगा। तुमने मेरे भाई का खून कर दिया। उससे मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। और इतने सालों तक तुमने ये बात मुझसे छिपा कर रखी और मैं हर दिन इसी आस में जीती रही कि आज मेरा भाई वापस आएगा। आएगा मेरा भाई। उसकी उसकी तो लाश भी वापस नहीं आई संजना। क्या हुआ उसकी लाश को? मरने के थोड़ी देर बाद अचानक पराग की लाश हवा में उठने लगी। लाश हवा में उठने लगी? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मोहन और नंदू की लाश गायब हुई थी। पराग की लाश भी देखते ही देखते आसमान में दूर 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 जाके गायब हो गई। पराग गायब हो गया? हाँ, पराग का जादू उसके मरने के बाद भी जिंदा था और आज भी उसका जादू चल रहा है और वो मुझसे बदला ले रहा है। तभी तो मोहन की लाश पे वो निशान था, वो पराग वाला। 5 साल बाद मोहन वापस आया और वो भी पराग का निशान अपने माथे पर लेकर। इसका मतलब है पराग वहां पर कहीं है। है पराग वहां पर? हाँ है, मगर अब वो एक आत्मा है। आत्मा? मैं जाके देखना चाहती हूँ वो ऊपर कर क्या रहा है। तुम वहां मत जाओ, वो तुम्हें भी मार देगा, मुझे तो छोड़ेगा ही नहीं। तुम्हें बचाने का यही एक तरीका है, तुम मुझे उसके पास भेज दो। आपकी खुशी और तालियां देखकर ऐसा लगता है कि अब तक जो भी जादू हुए आपको अच्छे लगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप जो कुछ आप देखने वाले वो बहुत ही खतरनाक है। इस जादू ने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत दुख दिए हैं मुझे, पर ये जादू मैं आपके सामने करूंगा, आपकी खुशी के लिए जरूर दिखाऊंगा। जब जब ये जादू हुआ है तब तब किसी ना किसी की कुर्बानी हुई है, पर आज आप लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरी पत्नी संजना अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसमें ना तो कोई हाथ का खेल है और ना ही कोई झूठ। देखते ही देखते संजना आपकी आंखों के सामने हवा में उठकर तैरने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता वहां ऊपर चली जाएगी। वहां पहुंचकर इन्हें किसी से बात करनी है, किसी से पूछना है कि क्यों वो मेरे पीछे पड़ा है। क्यों? संजना,
से जो बन सकता है तू कर ले। उठो संजना, उठो संजना, संजना को ऊपर उठाओ पराग, उठाओ ऊपर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।